खाली बजाया गया था, आपको ही दिया जाएगा, आपको ही दिया तीन चार बार बयान आ चुका, कोई एक बार नहीं है। वो बोलते हैं कि शिक्षक से बच्चों से शिक्षक गण पास ज्यादा हो गया, हम भर्ती नहीं देते। अभी बेसिक में आरटीआई के तहत 161,000 ज्यादा पद खाली है, रिटायरमेंट के अलग पद खाली है, 51,112 पद अलग इन्होंने लिखित में दिया है, लिखित में इन्होंने दिया है कि पद इतना खाली है। लेकिन सर आप ये बताइए, 22,000 पद, ये 68,500 खाली, ये पद इतने खाली होने के बाद ये शिक्षा मंत्री सर आप अभी आपने एक सवाल आप उत्तर ये था कि मैं कड़ी जोड़ता हूँ, सर आपको नहीं बताऊँ सर, आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप कड़ी जोड़ते हैं। जी आपको नहीं बताया, शांत रहो अबे, शांत रहो बोलने दो। अभी 600 किलोमीटर से चले आओ, 6 मिनट शांत रहिए। अगर कोई यहाँ बात कर रहा है तो उसकी बात सुन सकते, अगर बात करेंगे तभी। शांत रहो भैया, पूरा पीछे से लीजिए, दो लोग तो आप लोग लेते हैं। और अब ये शेख यदुवंशी मेरे शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, हमारी मांगे पूरी हो। लिख ले लो, अरे मीडिया वाले रुक जाओ यार, हमको तो काम करने दो। रुक जाए, आप लोग मत लीजिए, आप लोग ले लीजिए। आप लोग बैनर ऊपर कर लीजिए, चेहरा ना सिर्फ बैनर ऊपर कर लीजिए। शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती दे सरकार। सभी साथियों से निवेदन करते हैं जो अभी भी आसपास के जिलों में हैं, वो परीक्षा नियामक अभी भी आ सकते हैं, आके साथियों का सहयोग करें ताकि धरने कोई, हमारे यहाँ के देश बहुत युवा बहुत समझदार हो चुके हैं ना, फोटो में नौकरी खुश है, फोटो खींच के नौकरी पा गए। चलो बोलो भाई, मीडिया ज्यादा लोग देख रहे हैं, अपनी बात ऊपर से पहुंचा, बोलो बोलो। ज्ञापन लेना है लेकिन हमको जिलाधिकारी महोदय को ही ज्ञापन देना। हाँ, बिल्कुल, दबाव शासन स्तर, प्रशासन स्तर के अधिकारी लगातार बना रहे हैं, मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लिख लो मुकदमा लगवा दो, नहीं लगा जा रहा, क्यों? क्योंकि लाखों प्रतिष्ठित साथियों के भविष्य के साथ साथ हमारा भी भविष्य जुड़ा है, भविष्य नहीं बनेगा तो हम मुकदमा लेकर करेंगे भी क्या? पीएनपी में हम चाहते हैं कि जो 8-10 साथियों को चयनित किया गया प्रशासन द्वारा, वो आपके साथ निबरी कोकर कड़ी कोकर खड़े हैं, तो आपको भी साथ देना होगा। बिल्कुल, आपकी मांग है कि जब तक जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन लेने नहीं आते हैं, तब तक हम सब यहीं अडिग रहेंगे, खड़े रहेंगे, संघर्ष रहेंगे। बोलो बोलो,
मुझे उम्मीद है कि यहाँ धरने में उपस्थित जितने लोग हैं सब इलाहाबाद के होंगे, जो नहीं होंगे आप जिस भाई का इतना बड़ा छोटा कमरा नहीं है, आप तक जितने लोग आएंगे उतने लोग को रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आपको जाना नहीं है। तो कहाँ जा रहे हो, यही खड़े रहो ना, मत जाओ। कहाँ जा रहे भाई, सब चलो ना, गलत बोल रहे हैं। कोऑपरेट करने की कोशिश करो, तुम्हें लॉलीपॉप दे के किनारे कर लेंगे। लॉलीपॉप मत लो यार, विश्व यही खड़े रहो, यही आएंगे, देख लेना। तुम वहाँ जाओगे तो जरूर है, कहेंगे धारा लगा देंगे। पवन पांडे बाहर चले गए, अंदर नहीं आ पा रहे। अरे ऐसे ऐसे नेता है अंदर के बाहर नहीं। लो यार अबे लाइव चल रहा है, कुछ बोल देंगे 450 बच्चे जुड़े भड़क जाएंगे। रजत चलो, अच्छा बोलो विश्व भाई, लाइव बहुत ज्यादा बच्चे जुड़े, आवाज पहुंचाओ अपनी, बोलो विश्व। साथियों सुनो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पुलिस प्रशासन लगातार धरना खत्म करना चाहिए। आप लोग कहाँ जाते हैं, निराग लड़ाई पानी बिलवा दो यार, बाहर चला था पानी पाइप में धरना। आवाओ ना दही, पानी पिए रही जाओ। क्या व्यवस्था है यार दिनकर जी, अपने आप नेता भर्ती नेता आप हमसे रहे भर्ती नेता, हम आपके प्रयागराज आए। चलिए अच्छा, चलिए आइए, आपको हम पानी नहीं, आपको हम जलपान कर, चलिए चलिए। यह प्रयाग आपका ही है, क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पे प्रशासन से बात करके, आप बच्चों को पहुँचाए? अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी प्रशासन से कॉपरेट कर रही है, बोल रही है कि धरना खत्म करिए और कल सचिव साहब आएंगे तो मुलाकात होगी। तो आप मांग है कि हम लोग रात भर रुकने के लिए तैयार है, सचिव साहब जब आएंगे तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो प्रशिक्षुओं को बुलाना चाहते हैं आप? प्रशिक्षुओं को बुलाना चाहते हैं, प्रशिक्षु आए अपनी हक की लड़ाई के लिए आए। धन्यवाद। आइए हम आपको मुख्य भर्ती के नेता रजत सिंह से रूबरू करवाते हैं। ये रोज जो तीन लोग निकल कर एटीएम से क्यों मिले भाई, बात सही, क्यों मिले मिलेंगे सचिव नियम को बाहर निकले, सब लोगों के सामने बात करे, अगर शिक्षा नियोग का सचिव बना है तो भर्ती देने की क्षमता रखे। सरकार को बोले धरना देते हैं, आप जिंदाबाद। देखिए लगातार कह रहे हैं 10 लोग टीम आई है, बात करिए बंद कमरे में। हेलो, करके बात तो बात की जाती है, हमारे साथी भी तो करता है सचिव, जो कमरा कर रहे हैं साथियों, जो भी बात होगी यहाँ पे अपने घर लोगों के सामने होगी, बंद कमरे में होगी, हमेशा वहाँ दबाई गई है, ज्ञापन को फाड़ दिया जाता है, कहीं नहीं जाता है। आज हम लोग को निराग लड़ाई भारी संख्या में भीड़ इकट्ठित हुए, हमारे जो भी साथी आसपास खड़े हैं जिनको अंदर नहीं आने दे रहे हम सबके नंबर पे फोन करें जिससे कि उन सबको यहाँ पे आने के लिए। आर के सर प्रिय भाइयों एवं बहनों, बस चाहिए कोई मत बोलिए, बस सुनने दीजिए बात को, जितने भी भाई हैं, शांत, जितने भी भाई आरी क्षेत्र अगल बगल खड़े हुए हैं, मेरा सभी भाइयों से अपील है, अगर आपको नौकरी चाहिए और नौकरी लेनी है यहाँ पे तो अपना एक एक स्थान छोड़ करके यहाँ इकट्ठा हो जाइए, अगर आप यहाँ इकट्ठा होंगे एक साथ धावा बोलेंगे, एक साथ पुकार करेंगे, एक साथ मांग करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपको नौकरी लेनी है आपको साथ होना होगा, आप हमारा साथ दो हम आपको नौकरी देंगे, सपोर्ट करेंगे, हम पहचान लेंगे।
बहुत ज्यादा सरकार झूठे चले जाओ सरकार बनाओ सब विरोध करेगा क्योंकि सरकार से प्यार है बढ़िया ये सरकार 500 दे रही है ना ले लो सरकार से जाओ घंटा ही लाओ बैठ जाओ मंदिरों में तुम भी देखिए नहीं जरूरी है गलत है यार कब तक गवर्नमेंट का साथ दोगे गवर्नमेंट एक प्लेट यहाँ 6 साल से हो गया गवर्नमेंट अच्छा लड़ाई किया बोले हमें लगा सभी प्रमुख भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आए धरना शांति पूर्वक चल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग उन छोड़िए आइए छात्र एकता को दिखाइए हमारी मांग है पूरे करो 60,000 भाई बोलो यार हम प्रशिक्षण बैठ जा भैया यार क्या कही यार सब भाई अमरन जैसन के कब बैठाई सब समझदार है नहीं यार अरे नहीं नहीं कॉपरेट करो यार अरे रमाकांत भैया 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 शांत करा मतलब बच्चे आज अरे 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 वाह पेट का पेपर का लेखपाल बन गया कौन सीरीज आए कहाँ मिला पैसे नहीं मिल रहा यार मास्टर किसे कुछ नहीं मिल रहा बेकार है एक बेरोजगार प्रतिच्छु या एक नौजवान के ऊपर अगर वो अपनी मांग चाहे तो कोई मुकदमा नहीं लगता है सरकार को विपक्ष से लेकर मीडिया तक घेर लेगी अरे हम लोग तो आज शाम तक यहाँ बैठो प्रशासन आपको सपोर्ट करेगा लाठी किस उद्देश्य मारेगा भाई यहाँ चले जाओ भाई पीछे वाले को ना जाने दे यार लाठी चलेगी महोदय को बुलवा कर ज्ञापन देकर जाना है ये रोज रोज की नौटंकी नहीं चलेगी और ये पहले बैठो पहले सभी लोग हम रोज ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय है और ज्ञापन ले यहाँ से शाम तक बैठिए खुद पूरा प्रशासन आगे नहीं हो जाएगा बोलिए भैया ये वापस क्यों जा रहे हो उधर पीछे साइड से अरे यार इतना धूप कुछ नहीं यार सीआरटी पे 3-3 दिन धूप सब चूतिया है ना वो लोग उन लोग भाग रहे यार अगर आप बैठ चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद जो नहीं बैठते हैं भैया उनके लिए हाथ जोड़ भैया हम तो धूप में बैठे हैं अरे यार इधर आओ यार आप लोग ओ विनोद विनोद बुला लीजिए पीछे वालों को बुला लो धन्यवाद बिना जिला अधिकारी महोदय के परीक्षा नियामक न्याय नहीं उठा बैठो चल रहा है
रवि ला थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लाइव बैठा रहा, कैसे चला गया अरे हमने भारती अरे यार बेहतर आपका नमाज है अरे यार नहीं खाए नहीं हम खाई चिल्ला था यार लफड़ा का क्या चिल्ला था यार चिल्ला था जाए बता रहे मिनिस्टर के मोबाइल आए क्योंकि मन नहीं चिल्ला के जाए खड़ा चला शांत हो जाओ यार भाई आप लोग यार हमको बोले खड़े होने के लिए पूछे लो तुम लाइव चलो हम बैठ जाओ अच्छा हम ही बैठा दे तो हाँ करे नहीं कोई तो बात नहीं जाने आप क्या हमारा साथ देंगे मरते दम तक दे कैसे लेंगे मैं आपको कह रहा हूँ आज शाम 5 बजे तक को आज माननीय जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन देंगे या जेल छोटी पड़ जानी चाहिए और हम नौजवान छात्र हैं अगर हमारा 2 साल से प्रताड़ित छात्र 10x10 के कमरे में मानसिक अवसाद में कितने छात्र फांसी लगा ले रहे हैं अरे कायरो कितना मरना है तो मत डूब के मरो अगर लड़ना है तो परीक्षणिया मत 5 बजे तक आप साथ दीजिए और जितने लोग लाइव देख रहे हैं जितने लोग ट्विटर अपने दोस्त को फोन करो अपने कोचिंग संचालक को फोन करो बोलो परीक्षा नियामक पे धरना चल रहा है आगे परीक्षा नियामक के चारों तरफ घेर के खड़े हो जाए आज इतनी भीड़ कर दो कि आज इतिहास बन जाए और आज उत्तर प्रदेश सरकार तक बात जाए कि आज प्रशिक्षित जो 97,000 भर्ती के लिए आज एक बड़ा जन सैलाब परीक्षा नियामक गेट पे खड़ा है और अपने पूरा ले ले रहे हैं भाई ट्विटर को चलाइए भैया और किसी को चलाइए मास्क कटा हुआ तब तक पहचानिए बोलिए कुछ बैठ जाओ चल रहा चल रहा चल रहा
भाई जा भाई भैया बोलेंगे दूसरा बुला ये जा रहा एक आपको खड़ा रहने दो यार यही जरूरी है मालिक यही से पतन चिन्ह सोशल मीडिया वाले उठा के डालते हैं अपने आईडी पे हाँ बैठा यही जरूरी है ना बढ़िया और बताइए क्या हाल चाल लेकिन बीच में आकर के अपन लगाएंगे तो अलग अलग तरह से मिक्सचर हो जाती है आवाजें जो गलत संदेश जाता है बैठा तो है सही तो है यार ठीक है बोलना है यहाँ के खड़े होकर बोले इन क्लब सब खड़े हो जाते सात हजार रुक जाते भाई 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 तेजी से बोले बोले ठीक है भैया बोला बोल रहे यार रुक जा रुक जा भाई अब बहुत अरे जा दो हमारे सम कच्ची नेता भड़क जा रहा हमारे ऊपर शाम को भाई कहे तुम्हारा लाइव नहीं चलने दी अपना चला रहे इससे अच्छा जाने दो मोहब्बत कर सबको कहाँ के है सब अल्लाहपुर ब्रांच सब अल्लाह अपने वाले में साय होते तो कुछ का अपने हुआ सिविल लाइन ब्रांच में हुआ छोटा का थोड़ा सा डर भैया कॉर्पोरेट उधर देखिए का हो गया सर आपको अगर अनवरत धरना करनी है धरना स्थल तरीके से हो गया आप तरीके से वो स्थान ही नियत किया गया है कल 10 लोग यहाँ आ जाएंगे दो बच्चे इतने नहीं हम तक चले जाएंगे 10 लोगों का मतलब है नहीं भीड़ न लगे
बैठ जाइए यार। देखिए देखो बच्चा बात हम भी कर रहे हैं। बात हुई है।